हेलो एंड वेलकम बैक टू गुजराती ट्रेडर गेम शो गोदा मजामा। तो चलिए बात करते हैं चार्ट फॉर द वीक के बारे में। तो आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। और चलिए निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, क्या आने वाले टाइम पे निफ्टी क्या मूव ऑन कर सकती है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था कि हायर ट्रेंड में ही है, हायर हाई मार रही है निफ्टी, तो हम लोग को सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है और अच्छे खासे ब्रेकआउट स्टॉक होंगे। अगर निफ्टी भागती है तो ब्रेकआउट बहुत सारे स्टॉक में होने वाले हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कौन से ब्रेकआउट स्टॉक है। पहले चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी को। यहाँ पे एक 18450 के आसपास रेजिस्टेंस था और यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है 18500 पे, तो अच्छी बात है यहाँ पे निफ्टी के लिए। और अभी भी हम लोग स्ट्रॉन्गली निफ्टी में स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, हायर हाई मार रहा है निफ्टी। अगर यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होता है जो है 18070 का, तो हम लोग निफ्टी में आने वाले टाइम पे गिरावट देख सकते हैं चंद्रपुर की ये लेवल्स के आसपास 17500 के आसपास। तो ये है निफ्टी का व्यू। और हम लोग के लिए अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 18700 और 18890 के आसपास, जो है अपना ऑल टाइम हाई ये वाला लेवल्स के आसपास। तो आप लोग देख सकते हो अगर निफ्टी यहाँ इसको भी क्रॉस करती है तो हम लोग न्यू हाई ऑल टाइम हाई मार सकते हैं। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। चलिए बात करते हैं पहला स्टॉक फॉर द वीक के बारे में। तो पहला स्टॉक फॉर द वीक है अपना जो है इन्फो एज नौकरी.com। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है बुलिश पेनेंट पैटर्न पे। ये स्टॉक थोड़े टाइम से डाउन ट्रेंड में था और कंसोलिडेशन में हम लोग कह सकते हैं। अपना लो था जो है 3400 के आसपास का इसका लो था, राउंड फिगर बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो ये लो नहीं तोड़ रहा था और यहाँ पे देखिए अभी हायर हाई बनना चालू हो चुके हैं, डाउन ट्रेंड यहाँ पे एज ऑफ नाउ खत्म हो चुका है। हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाते हैं तो ये स्टॉक हायर हाई अभी मार रहा है। ये देखिए ये नया स्विंग हाई मार रहा है, ये स्विंग लो। और आप लोग को बाइंग करनी हो तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास समय आपको 200 के आसपास यहाँ पे आप लोग बाय कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ ब्रेकआउट कैंडल का लो। तो ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिख रही है अभी मार्केट में, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। डाउन ट्रेंड स्टॉक है और अभी इसको चलना और भी बाकी है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं टारगेट एंड स्टॉप लॉस का। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग हाई के ऊपर एंट्री बनाएंगे समवेयर अबाउट 4200 के आसपास और विद स्टॉप लॉस 13% ब्रेकआउट कैंडल का लो 12-13% के आसपास स्टॉप लॉस। और मिनिमम 1:2 का आपको टारगेट रखना ही होगा जो है 24% इसके आसपास का रेजिस्टेंस के आसपास का ही बैठ रहा है हाई। तो ये फर्स्ट टारगेट होगा। और जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं वो लोग अपने 1:3 या ऑल टाइम हाई के पास भी बुक कर सकते हैं यहाँ पे। तो अच्छा खासा ये स्टॉक दिख रहा है, 12% आपका रिस्क बन रहा है। फर्स्ट टारगेट 24% और लास्ट टारगेट होगा अपना 70% जो होगा ऑल टाइम हाई के आसपास। तो ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मार्केट में जो है इन्फो एज। और हम लोग सेकेंड स्टॉक की बात करें तो ये है डाबर इंडस्ट्री। डाबर का हम लोग डेली चार्ट पे हम लोग ब्रेकआउट दिखाए, तो यहाँ पे भी सेम एनालिसिस है। यहाँ पे डाबर को यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डाउन ट्रेंड में ही था डाबर भी, और अभी हम लोग देख रहे हैं वापस से हायर हाई बना रहा है और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला है डाबर में हमको। तो ये भी और एक अपॉर्चुनिटी बन रही है अच्छी वाली मार्केट में जो है डाबर इंडस्ट्री। और कहीं ना कहीं हम लोग बात करें तो सपोर्ट एरिया के आसपास है और आप लोग को यहाँ पे एंट्री आप लोग ले सकते हो अगर यहाँ पे कल इसका हाई टूटे मंडे को, और विद द स्टॉप लॉस ऑफ 5% इनफ है। 5% अगर इसको जाना ही होगा तो यहाँ से ही जाएगा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं टारगेट की तो इसमें हम लोग ये लेटेस्ट हाई यहाँ पे जो स्विंग हाई बना था वो हम लोग ले सकते हैं। वो बन रहा है समवेयर अबाउट 12% के आसपास, 5% का रिस्क और 1:2.3 का हम लोग को रिस्क इज टू रिवॉर्ड मिल रहा है। तो अच्छा खासा यहाँ पे ये भी स्टॉक दिख रहा है डाबर इंडस्ट्री। अगर हम लोग बात करें अगर ये भी हाई टूटता है ये वाला, तो हम लोग ऑल टाइम हाई देख सकते हैं डाबर को जो है 660 के लेवल के आसपास। तो ये भी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे मार्केट में डाबर इंडस्ट्री। तो ये भी अच्छा खासा मेरे को दिख रहा है अपॉर्चुनिटी, दोनों ही अच्छी है, इन्फो एज एंड डाबर इंडस्ट्री। और हम लोग बात करें लास्ट एपटेक, आप लोग को और भी स्ट्रॉन्गर हम लोग को दिख रहा है तो आपके साथ और एक बार शेयर कर देता हूँ। ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाई थी हम लोग ने 1:2 का यहाँ पे अचीव हो चुका है जो मैंने डाला था। अगर हम लोग बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम के आसपास। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है यहाँ पे टेक में आप लोग देख सकते हो।
तो इस मंथ हम लोग देख सकते हैं 31% का मूव आया था। तो ऐसे स्टॉक आप लोग डिफाइन कर सकते हो, और अगर आपको इतना फाइन करने का टाइम नहीं है और आप लोग जॉब करते हो तो गुजराती ट्रेडर को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए ऐसे ही ब्रेकआउट शेयर लाता रहूँगा। यहाँ पे 2-3 दिन में अपना टारगेट अचीव हो गया है यहाँ पे ऐप टाइप में। तो ऐसे ही अच्छे स्टॉक्स मैं आपके लिए प्रोवाइड करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक स्टॉक आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ जो है दीपक नाइट्राइड। आप लोग बोलते हो ब्रेकआउट से पहले दो, तो ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे आप लोग ले सकते हो दीपक नाइट्राइड। वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस है, यहाँ पे भी सिम डाबर और इन्फो एज की तरह बैठा है। और हम लोग बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए आप लोग सपोर्ट के आसपास से मोमेंटम बैक किया है लेके, तो ये आप इसका हाई अगर कटता है जो है 2160 तो आप लोग बाय कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 21916 के आसपास का, और टारगेट फर्स्ट टारगेट होगा 2680 का। तो आप लोग ये भी मेरे तरफ से आपको गिफ्ट है, ब्रेकआउट से पहले ये स्टॉक दे दिया है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।